ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। एक तरफ कोरोना की कहर तो दूसरी तरफ सरकार द्वारा लॉकडाउन। इन हालातों में सबसे ज्यादा मार अगर देखा जाए तो गरीबों पर ही पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो उन्हें है जिन्हें अपने कारोबार बढ़ाने के लिए निजी कंपनी द्वारा लोन लिया हो। हर किस्त जमा करने के वादों पर कागज के चंद पन्नों पर अंगूठा लगवा लिया, फिर वक्त पर पैसा नहीं जमा करने की खामियाजा, गाली तथा धमकी से दिनचर्या बीत रहा है। ऐसा ही एक मामला सुपौल के त्रिवेणीगंज का है, जहां 5 परिवार को सरकारी जमीन में रहकर चाय दुकान से पालन पोषण करने वाला एक गरीब व्यक्ति की है। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, चाय दुकानदार ने L&T कंपनी वालों से कुछ पैसे लोन ले लिए। सरकार द्वारा लॉकडाउन लग जाने के कारण दुकान बंद पड़ी हुई है, बावजूद फाइनेंस कंपनी वाले अपने किस्त जमा कराने पर उतारू हैं। चाय की दुकान बंद होने से पैसे की किल्लत ने गरीब की आबरू छीन रहे हैं फाइनेंस। रोजाना घर पर गाली गलौज तथा सामान उठाकर ले जाने, साथ ही जेल भी भिजवा देने की धमकी दे रहे हैं। गरीबों के घर में खाने के लाले पड़े हैं, तो वहीं रोजाना बेइज्जत होने से काफी आतंकित हैं। इस बाबत जब फाइनेंसर राजेश से पत्रकार ने उनके पक्ष जानने की कोशिश किया, तो उल्टे राजेश नामक कर्मचारी पत्रकार को ही नसीहत देने लगे। बहरहाल सुशासन बाबू के गाइडलाइन में क्या गरीबों का निवाला सिर्फ खून के आंसू ही है, या इस तरह के बेवक्त पर गरीबों को फाइनेंसर द्वारा शोषित किया जा रहा है, उसे रोका जा सकता है? अब देखने वाली बात यह होगी कि उन फाइनेंसर पर क्या कार्रवाई किया जा सकता है। क्या नाम हुआ? मनुलाल गोस्वामी। कहाँ घर है? लालपट्टी। लालपट्टी में कहाँ रहते हैं? सरकारी जमीन में घर, एक झोपड़ी बनाई है। क्या करते हैं? क्या करेंगे, दुकान कर रहे थे। क्या चीज का? चाय का दुकान। अच्छा, फिर क्या हुआ? लॉकडाउन लगा, हम दुकान बंद हो गया। हाँ, फिर आई लोन वाला आई लाइन वाला जो लिए L&T लोन जो लिए थे। L&T लोन कितना लिए थे? 30,000 तक। कितना महीना हुआ? आज हो गया इसको 10 तो जमा हो गया। 10 की जमा कर दी। हाँ। अच्छा, इस महीना जमा नहीं किया? इस महीना जमा नहीं किया। क्यों नहीं जमा किया? इसको हम लचार लोग सर, पैसे नहीं हम लोग कभी। दुकान बदौरी बंद है। हाँ। खाने पीने का दिक्कत है? दिक्कत है। हाँ। उस पर आता है घर पर धमकी देता है। किसको? हमारा बेटा पुतोह को। हाँ। जो कि बंद कर देंगे जेल में ले जा करके। हाँ। साइकिल उठा के ले जाएंगे। हाँ। बेटा को और कुछ कहता है? बेटा को तो बहुत कुछ कह के जाता है यहाँ से। क्या कह के जाता है? वही L&T वाला। क्या है L&T वाला, क्या नाम है उसका? राजेश नाम है। हाँ। और क्या सब है उसमें? चार बिछोने। क्या आदमी आया था? चार आदमी, 5 आदमी से। क्या कहता है? कहता नहीं देगा तो उठा कर बंद कर देंगे, साइकिल ले जाएंगे उठा करके। का फल छे आ जे आवे छे किस्ती ले लेते कत से देबे अपने काम धंधा चले छे जे देते गे दुकान तोरी चले छे जे देते गे ओही दुकान करता था। हाँ। कौन सी का? चाय वाला। लॉकडाउन में भी बंद है। हाँ। तो इसको किस्ती वाला था, क्या कहता है? मतलब जना तना दे ले छे धमकी दे छे ई सब गप कहे छे ये छीन लेंगे वो छीन लेंगे मतलब। हां, गाड़ी घोड़ा जे छे साइकिल छे हम छीन लेबे, हम बर्बाद कर देबे, मार देबे, घर द्वार के तोड़ तार देबे, उठा के ले जेबे, या सब गप कहे छे। उ सब क्या नाम है? राजेश कुमार। कहाँ घर है? घर तो लालपट्टी में। लालपट्टी में कहाँ रहता है? यही विभाग के पास, अनुमंडल के पास रहता है, सरकारी जमीन। सरकारी जमीन में। अच्छा, अब क्या करते हैं? हम वही चाय की दुकान कर रहे थे, चाय दुकान लोग बंद हो चुका है। अच्छा, इधर भी काम भी खोज रहे, काम भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कहाँ से लोन भरेंगे? लोन वाला परेशान करते। कितना लोन लिए थे? लोन तो वही 40-45,000 लिए थे। अच्छा, क्या महीना हो गया? ये आठवां महीना हो गया है, नौवां महीना जा रहा है। पहले लोन दे रहे थे? हाँ, पहले क्लियर था। अच्छा, अभी लॉकडाउन लगा इसलिए नहीं दिए? इसलिए नहीं दे रहे। अच्छा, क्या हुआ था नहीं दिए तो? दुकान अभी बंद हो गया, लोन नहीं भर रहे। उनको बोले 2 महीना इकट्ठे भर देंगे। बोला नहीं, ये किस्त तुमको भरना पड़ेगा, तुम्हारे बाप को भरना पड़ेगा, तुम कहे नहीं भरेगा लोन। के बोला? वही किस्त वाला, लोन वाला बोला, L&T वाला। L&T लोन वाला। के सब था, के नाम जानते?